تشریف رکھو گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری آرم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقر کے ہیں موج ذات تاج و سریر و سپام فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شام علم کا مقصود پاکی عقل و خرد فقر کا مقصود عفت قلب و نکام علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم علم جویائے راہ فقر دانائے رام چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے ساکار سپام
दिल अगर इस खाक में जिंदा व बेदार हो, तोड़ दे तेरी निगाह आईना मेहरुमाम। मौज़्ज़त सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मंबाए शफकत व मोहब्बत पीर काजी महमूद अवान साहब जीदा मद्दुहू, और स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा, तमाम ओहदेदारान कारकुनान और मौज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हम हुज़ूर सैयदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन ग़ुलामों के ज़िक्र के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके फैज़ चश्मा से जारी होने वाले फैज़ से अल्लामा इकबाल ने भी घूंट पिए हैं, और इसी मुबारक आस्थाना को अल्लामा इकबाल का रूहानी पीर खाना कहा जाता है, मुर्शिद खाना कहा जाता है, और इसी आस्थाने के बुज़ुर्गों के आज उर्स पर हम हाज़िर हुए हैं, और हम ये बताने के लिए हाज़िर हुए हैं कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख़याल फ़क्र व गिना न कर कि जहाँ में है नान शेर पे मदार कुव्वत हैदरी। हम ये बताने के लिए आए हैं कि हज़रत साद बिन रबी ने ग़ज़वा उहद में जाते हुए ये आखिरी पैगाम दिया था कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को जाकर पैगाम दे दो कि अगर एक आँख भी झपकती हुई और कोई हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक पहुंच गया तो अल्लाह ताला क़यामत तक उसका उज़र कबूल नहीं करेगा कि मैं अकेला था, मैं क्या करता। जब तक ज़िंदा हो, जब तक ये सांस चलती है, जब तक इस वजूद में धड़कने बाकी हैं, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर, उनकी नामूस पर कुर्बान होते रहना, उनकी इज़्ज़त पर पहरा देते रहना। हम आज ये बताने के लिए आए हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन के उन असबाक को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों ने इस तरह याद रखा कि सिर्फ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर नहीं, ख़त्म नबुव्वत पर नहीं, वो कानून जिस कानून को नामूस रिसालत के लिए बनाया गया, अगर उसकी तरफ भी कोई मैली आंख देखेगी तो हम वो आंख निकाल देंगे, उठे हुए हाथ को काट देंगे और उठे हुए कदम को टांगों से चीर के रख देंगे। इसलिए कि हमारे बाबा जी हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि ज़ईफ़ अगर नज़र पड़े रसूल का जमाल बन, और ज़ालिम अगर आए नज़र कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर न झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। क्योंकि हमारे बाबा जी हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि उरवा बिन मसूद सुलह हुदैबिया में आए और आकर खुशामद के तौर पर हुजूर की दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ किया तो पीछे सक्का भतीजा खड़ा हुआ था मुगीरा बिन शोबा, उन्होंने जब देखा ना हुजूर की दाढ़ी की तरफ बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने तलवार को बेनयाम किया और दस्ता उठाकर चाचे के हाथ पर मारा और कहा आखिर यदा कान लहियत रसूलिल्लाह वल्ला तसलैक इलैक। ऐ चाचे, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से हाथ पीछे कर ले, अगरचे तू खुशामद के लिए कर रहा है, अगर अब दोबारा बढ़ा तो हम ये हाथ काट कर वापस आएगा, ये कटा हुआ हाथ वापस आएगा। हम ये बताना चाहते हैं वो उसको कायनात की किसी चीज़ से तशबीह नहीं दे जा सकती जिसने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर उन आपकी ज़ात गिरामी पर कल इंडिया में बकवास किया है। हम ये बताने के लिए आते हम ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हो सकता है हमारे ज़िम्मेदारान, हो सकता है हमारे मुल्क के ऊपर बैठने वाले ओहदों पर बड़े बड़े लोग गैर फाल हों, लेकिन मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के ग़ुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं ये घंटों का काम हो जाएगा। यार
رسول اللہ ہم دنیا کی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھو. اور ہم اس مودی سرکار کو کہتے ہیں, اس مودی کے یاروں کو کہتے ہیں کہ فی الفور وہ جو تمہاری ترجمان ہے اس سے اعلان برات کرو اور اس کو سزا دو, اس لیے کہ اگر کوئی غازی علم الدین کا متوالا کھڑا ہو گیا تو پھر بات صرف اس غستاخ تک نہیں رہے گی, بات اس تک بھی پہنچے گی جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ یاد رکھنا, بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ ہم نے غازی علم الدین کو دفنایا ہے, اس خنجر کو باہر رکھا ہوا ہے, جس خنجر کو لے کر غازی عامر عبد الرحمن جرمنی پہنچا وہ خنجر بھی باہر ہے, غازی عبد الرحمن چیما کو دفنایا ہے. اس خنجر کی نسبت سے ممتاز قادری کوہسار مارکیٹ میں 27 گولیاں لے کر پہنچا تھا, وہ بندوق بھی باہر پڑی ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ اگر غوری شاہین حطف ہم نے اپنے حضور کی عزت کے لیے استعمال نہ کیے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں, ہم نے یہ سارا کچھ رکھا ہی اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے ہوا ہے. اگرچہ ہمارے کچھ ذمہ داران, اگرچہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ نااہل اور نا ہنجار ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے, ہم نے جانیں بھی حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں, یہ وطن بھی حضور کے لیے رکھا ہوا ہے, ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تجھے کتیا سے بھی نسبت دینا, تشبیہ دینا, ہم کتیا کی توہین سمجھتے ہیں کیونکہ کتا ضرور ہے لیکن غستاخ رسول نہیں ہے. وہ اگر تمہیں پتہ نہیں, اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بابا جی اپنے کارکنوں کو سبق دے کر گئے ہیں کہ من سب نبیین فقتلوہ, تو یہ ہمارے لیے بارڈر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر ہم اپنے آقا و مولا کی عزت کا بدلہ لینے آ گئے تو پھر وہ سفید جھنڈا جسے فتح کی علامت سمجھا جاتا تھا, سینکڑوں کنٹینروں کی موجودگی میں اور شیلوں کی بچھاڑ میں ایک جھنڈا بلند ہوتا تھا جس کے اوپر لکھا ہوتا تاج دار ختم نبوت زندہ آباد, یا جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا من سب نبی جن, اور یا جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ. اگر حضور کے دیوانے نکل آئے, حضور کے غلام نکل آئے تو یاد رکھنا تمہارا گھر ہم سے دور نہیں ہے پڑتا. ابھی ہمارے ذہنوں میں کشمیر کا بدلہ باقی ہے, ابھی ہمارے ذہنوں میں بابری مسجد کا بدلہ باقی ہے. میں آپ کو ایک پیغام ضرور دے دیتا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ برہان وانی دنیا سے چلا گیا, یہ نہ سمجھنا کہ جناب ممتاز قادری دنیا سے چلا گیا, یہ نہ سمجھنا کہ غازی علم الدین کو دفن ہوئے صدیاں گزر گئی, یہ نہ سمجھنا کہ علامہ خادم حسین دنیا سے پردہ کر گئے. ابھی ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ یا رسول اللہ کی لوری سے پلایا ہوا ہے. ابھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, جس دن یہ میدان میں آ گئے تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, تمہیں بتائیں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ابھی زندہ ہے, ابھی حضور کی ناموس پر پیرا دینا جانتے ہیں. اور ہم اپنے ان ہجڑوں کو بھی کہتے ہیں کب تک بغیرتی کی زندگی جیو گے, کب تک بغیرت بن کے رہو گے, کب تک بے حیا اور بے شرم بن کے رہو گے. اور یار اگر عزت پر ہاتھ ڈل جائے تو سب سے پہلے کام عزت بچانے کا کیا جاتا ہے, عزت کو بحال کرنے کا کیا جاتا ہے, روٹی تو بغیرت بندہ بھی کھا لیتا ہے. اور غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. غیرت ہے نا جو غیرت, اس کے ساتھ جینا یہ دنیا میں اقوام عالم کو بتاتا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے. تم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو, ہماری کیا ترجمانی کر رہے ہو, بھوک کو پیٹ رہے ہو, بھوک تمہارے بس میں نہیں ہے ختم ہونا, یہ میرے اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط ہے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی جو جہاد کو چھوڑ دے گی, جو جہاد کو چھوڑ دے گی وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی. تم قیامت تک IMF نہیں, سوئس بینک نہیں, تمام دنیا کے
दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वरा फाना लगा जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूदों ने सारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई। अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। अगर चेजर भी है जहां में काजिल हाजात, इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे। और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रास्ता ही फकर का इस्तेमाल किया है, रास्ता ही फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में
مسکینی اور دلگیری ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ الفقر و فخری فقر میرا فخر ہے اس فقر کو لیتے ہوئے ہی ہمارے امیر المجاہدین نے ایک جی ایل آئی گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا پھر کر پورے پاکستان کی گلی گلی میں پیغام دے دیا ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا یہ ہمارے سارے شورا والے یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں فیض آباد کا مارکہ ہو وزیر آباد کا مارکہ ہو کوئی بھی جگہ ہو ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے اور یہ یاد رکھنا جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا دنیا کے زر کی طرف ہو گیا اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے تین گنا ہو جائے لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں اور بندہ اٹھتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو میں پیچھے کھڑا رہوں گا ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں ہم تعداد میں چند رہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں اس کے یقین پر نکلے ہیں اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں گیا شیل برسانے والے یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا با خدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا تجھ سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم جرم دار ہوتے اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں چے نسبت خاک را بعالم پاک ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں بنتا اس کے کارکن لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آئیں اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں سروں پر کپڑا بھی نہ ہو اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہوں پھر بھی وہ ہر گولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو اور جس کی توقع ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یہ قرآن کی نص ہے ٹچ سے تو آتا نہیں جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب ہمیں حضور مل گئے لیکن اس نے اسلامی
इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था, इसीलिए वो गजवा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गजवा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते हैं एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए कि हम टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका ले, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफ़ा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैजाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफा लेकर जाना है, ये इस्तीफा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्क रसूल हूँ, बाबा जी फरमाते हैं इश्क रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क होंदा जो लोग देख के कवन के आशकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफिला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा, लोग चेहरे वेख के लोग अमल वेख के दसते हैं कि शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की बारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे ने पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी बारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसी के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमरीका के खिलाफ हैं, खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सदीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ अमेरिका के खिलाफ वही, और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है, वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुनाफिकत मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा, नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमें टच देने वाले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफ़िकत का नाम है, टच दिया हुआ वहां एक खड़ा था, उसने कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह
मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाएं, मुझे बड़ा ताफन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वहीं मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया, क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है, तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अतियब रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीज़ा है। मैं ये कहता हूं उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीज़ा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीज़ा है, और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है, जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जनाब गर्दनें चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं और रात में जाकर एम्बेसी को वजाते देते हो, हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजल खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिसम गल चुका था, अंग्रेज गया उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजल खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजल खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजल खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीने एक फजल हक अगर लखा भी होन तो मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकती। और स्टेजा दे उते उछलना कूदना ये अलहदा गल है, वसायल दे लिहाज नाल जनाब कल इतने जलसा परसों इतने जलसा, बाबा जी कहते सर जड़ियां का पता मैदान च लगता, स्टेजा उते नहीं लगता, नसया कि नहीं मैदान च 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्लां लब्बैक आलिया नूं, और उनके नाल जड़े गुमाश्ते फिरते हैं वो जी आपने ऐसे कर लिया आपने ऐसे कर लिया, मैं कहा आना सी ना बार तुहाडे को तो रावी पुल नहीं क्रॉस होया, तुहाडे को तो चनाब पुल नहीं क्रॉस होया, ते साढ़े दीवाने तो वो सन के जिन्होंने रावी पुल क्रॉस करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रॉस किया, और लब्बैक या रसूलल्लाह दे नारे दे उते वजद करदे क्रॉस किया, जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी, हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी, उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में, और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान अपने माल अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं, और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की ज़रूरत पड़ी पर्ची देंगे, माल की ज़रूरत पड़ी माल देंगे, जान की ज़रूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी अभी तो एक मैदान था ना,
जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, अभी 6 दिन और है। मैं कहा 6 नहीं 600 भी ऑन इना तेला तेल कोई नहीं, 6000 साल भी ऑन, तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बार मैदान खड़ा होके गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसे नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी। और असी उन्होंने भी कहने के दुरुस्त फैसले करो, वरना असी कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नालो जालिम सी हो। असी उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा, असी क्या तेरियां गोलियां खत्म हो जाणगियां, आशकान मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले। और इन सीने दे अंदर ओ इश्क मौजदाने के अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उठो वजीराबाद तो लब्बैक वाले आज भी तैयार खड़े न, आज भी तैयार खड़े न। अगर किसी शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उत्ते हुजूर दी नामोसे रिसालत उत्ते कोई कानून नु छेड़छाड़ कर दी कोशिश की थी, मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा, मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साढ़े कोल जड़ियां खबरां ने उसके मुताबिक इन्हां नु कोई मरजई पैसे देना चाहते हैं और इस दे तबादले चो चाहते हैं कि तुसी 295C दे उत्ते कोई साढ़े नाल तरमीम करो। तो याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे। अगर किसी उधर मैली अख भी देखी हम दुनिया की अकवाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं, हमने ये सारा कुछ लिखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए, हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई है, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से कुतिया से भी नस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है वो। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलुहू, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीयन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूं, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर
गुजर गई। ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओं ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशर्म बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत इसके साथ जीना, ये दुनिया में अकवाम आलम को बताते हैं कि ये कौम जिंदा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को, अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वरा फाना लका जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है, तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए, और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूदों ने सारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई। अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की, और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया।
इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहां जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाए, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाए तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1,000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। अगर चेजर भी हैं जहां में काजिल हाजात, इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे। और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ता ही फकर का इस्तेमाल किया है, रस्ता ही फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल फकर फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए ही हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बताकर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछे कि जब भी हम बेसर सामानी के आलम में, जब भी हम बेसर सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसर सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना, जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे 3 गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में। बंदा उठता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड पर आता है और उसको कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना बाखुदा, एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवाकर, इसराइल से मंगवाकर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं, चे नस्बत खाकरा बालम पाक,
हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, यह तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, यह तो कोई चीज नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके और हमारे कारकुनों के पाओ में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हो और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर गोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो और जिसकी तवक्को हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था वो टच करने के लिए अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था, इसीलिए वो गज़वाए उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वाए उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए हम टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका ले, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैजाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफा लेकर जाना है, यह इस्तीफा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्क़े रसूल हूँ, बाबा जी फरमाते हैं इश्क़े रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क़ होंदा जो लोग देख के कवन के आशकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफिला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा, लोग चेहरे वेख के लोग अमल वेख के दसते हैं कि ओ शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की वारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे न पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी वारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसिया के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमरीका के खिलाफ हैं, खुलकर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं,
हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ है। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमरीका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ, अमरीका के खिलाफ वही। और अमरीका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है? वो तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमें टच देने वाले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफिकत का नाम है, टच दिया हुआ। वहां एक खड़ा था, उसने कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाए, मुझे बड़ा ताफन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वही मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है, तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अतियब रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीजा है। मैं ये कहता हूँ उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीजा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीजा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है, जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जो नाब गर्दने चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं और रात में जाकर अम्बेसी को वजाते देते हो, हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजले खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिसम गल चुका था, अंग्रेज गया उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजले खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजले खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजले खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीने एक फजले हक अगर लखा भी होन तो मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकता। और
स्टेजां दे उत्ते उछलना कुदना ये अलहदा गल है वसायल दे लिहाज नाल। जनाब कल इत्थे जलसा परसों इत्थे जलसा बाबा जी कहंदे सन जड़ियां दा पता मैदान च लगदा स्टेजां उत्ते नहीं लगदा। नसिया कि नहीं मैदान च 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्लां लब्भै गालियां नूं और उन्दे नाल जड़े गुमाश्ते फिर दें ओ जी आपने ऐसे कर लिया आपने ऐसे कर लिया। मैं कहा आना सी ना बार तुहाडे को तो रावी पुल नहीं क्रास होया तुहाडे को तो चनाब पुल नहीं क्रास होया ते साढ़े दीवाने तो वो सन के जिन्होंने रावी पुल क्रास करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रास किया और लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे उत्ते वजद कर दिया क्रास किया। जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान अपने माल अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की जरूरत पड़ी पर्ची देंगे माल की जरूरत पड़ी माल देंगे जान की जरूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है अभी 6 दिन और हैं। मैं कहा 6 नहीं 600 भी ऑन इना तिलन तेल कोई नहीं 6000 साल भी ऑन तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बाहर मैदान में खड़ा होके गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसी नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी और असी उन्होंने भी कहने के दुरुस्त दुरुस्त फैसले करो वरना असी कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं तुहाडे नाल जालिम सी हो असी उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा असी क्या तेरियां गोलियां खत्म हो जाणगियां आशकान मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले और इन सीने दे अंदर ओ इश्क मौजदाने के अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उठो वजीराबाद तो लब्बैक आले आज भी तैयार खड़े आज भी तैयार खड़े। अगर किसी शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उत्ते हुजूर दी नामों से रिसालत उत्ते कोई कानून में छेड़छाड़ कर दी कोशिश की थी मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साडे कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नूं कोई मरज़ई पैसे देना चाहंदे ने और इस दे तबादले चो चाहंदे ने कि तुसीं 295C दे उत्ते कोई साडे नाल तरमीम करो ते याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे। अगर किसी उधर मैली अख भी देखी हम दुनिया की अक्वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताक तक नहीं रहेगी बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है
उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई है, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी नस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है वो। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलुहू, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीयन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूं, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशर्म बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अकवाम आलम को बताते हैं कि ये कौम जिंदा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को, अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वराफाना लका जिक्रक का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बताकर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल
वजीर आजम साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूं करेंगे, भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है, तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूद नसारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई, अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की, और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट, मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है, इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं, तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, अगर चेजर भी है जहां में काजिल हाजात। इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे, और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ताई फकर का इस्तेमाल किया है, रस्ताई फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अल फकर व फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए ही हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बताकर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछें कि जब भी हम बेसरो सामानी के आलम में, जब भी हम बेसरो सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसरो सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना
जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना, हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे तीन गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में, बंदा उठता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड़ पर आता है और उसको कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा, अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए, मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना बाखुदा, एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवा कर इसराइल से मंगवा कर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं चे नस्बत खाक राब आलम पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो, और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों, और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर डोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो और जिसकी तवक्को हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए, लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। इसीलिए वो गज़वा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस
वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका ले, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तेकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैजाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफा लेकर जाना है, ये इस्तीफा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू ऑर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्क रसूल हूं, बाबा जी फरमाते ने इश्क रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क होंदा जड़े लोग देख के कवन के आशकान रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के आश्क काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा। लोग चेहरे वेख के, लोग अमल वेख के दसते हैं कि शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की वारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे ने पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी वारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसी के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है, मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमरीका के खिलाफ हैं, खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ अमेरिका के खिलाफ वही। और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है? वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुनाफिकत मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमें टच देने वाले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफ़िकत का नाम है, टच दिया हुआ वहां एक खड़ा था। उसने कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाएं, मुझे बड़ा ताफन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वही मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने,
वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है। तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलुल्लाह अतियबु रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीजा है। मैं ये कहता हूं उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीजा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीजा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है। जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जो नाब गर्दनें चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, और रात में जाकर अम्बेसी को वजाते देते हो। हमारे बड़ों के पास तो हजरत अलामा फजल खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिसम गल चुका था, अंग्रेज गया, उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजल खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजल खैराबादी कोई और है लिखने वाला, कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अलामा फजल खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीना एक फजल हक, अगर लखा भी होन तब मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकती। और स्टेजां दे उते उछलना कूदना ये अलहदा गल है, वसायल दे लिहाज नाल जनाब कल इतने जलसा परसों इतने जलसा, बाबा जी कहते सन जड़ियां का पता मैदान च लगता, स्टेजा उते नहीं लगता, नसया के नहीं मैदान च, 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्लां लब्बैक आलियां नूं, और उनके नाल जड़े गुमाश्ते फिरदे ओ जी आपने ऐसे कर लिया, आपने ऐसे कर लिया। मैं कहा आना सी ना बार, तुहाडे को तो रावी पुल नहीं क्रॉस होया, तुहाडे को तो चनाब पुल नहीं क्रॉस होया, ते साढ़े दीवाने तो वो सन के जिन्होंने रावी पुल क्रॉस करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रॉस किया, और लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे उते वजद कर दिया क्रॉस किया। जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी, हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी, उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में, और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान, अपने माल, अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं, और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया, हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की जरूरत पड़ी पर्ची देंगे, माल की जरूरत पड़ी माल देंगे, जान की जरूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी अभी तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, अभी 6 दिन और हैं। मैं कहा 6 नहीं 600 भी ऑन इन तिल तेल कोई नहीं, 6000 साल भी ऑन, तेरी जरूरत ही नहीं, तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बाहर मैदान में खड़ा होकर गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसे नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी, और असी उन्होंने भी कहने हैं कि दुरुस्त दुरुस्त फैसले करो, वरना असी कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नाल जालिम सी हो, असी उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी,
और गल नहीं सी सुनदा। असी क्या तेरिया गोलियां खत्म हो जाएगियां। आशकाने मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले। और इन सीने दे अंदर वो इश्क मौजदा ने कि अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उतो वजीराबाद तो लबैक आले आज भी तैयार खड़े न, आज भी तैयार खड़े न। अगर किसी शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उत्ते हुजूर दी नामों से रिसालत उत्ते कोई कानून नु छेड़छाड़ कर दी कोशिश की थी, मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा, मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साढ़े कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नु कोई मरजई पैसे देना चाहते हैं और इस दे तबादले चो चाहते हैं कि तुसी 295 सी दे उत्ते कोई साढ़े नाल तरमीम करो। तो याद रखना जदों तक तहरीक लबैक या रसूलल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे। अगर किसी उधर मैली अख भी देखी हम दुनिया की अकवाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से कुतिया से भी नस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है वो। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलुहू, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीयन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूं, यह ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, यह ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, यह ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, यह ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशर्म बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम
इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना। ये दुनिया में अकवाम आलम को बताते हैं कि ये कौम जिंदा है, तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया, तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को, अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो, और वराफाना लका जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है, तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने ये नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए, और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूद नसारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई, अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की, और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है, इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये
जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाए तो सारा आलम कुफर इनके पाँव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई हजार रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पाँव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। अगर चेजर भी हैं जहां में काजिल हाजात, इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास चार पैसे थे। और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ताई फकर का इस्तेमाल किया है, रस्ताई फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अल फकर व फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक जीएलआई गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बताकर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछे कि जब भी हम बेसर सामानी के आलम में, जब भी हम बेसर सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसर सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना, जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे तीन गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में। बंदा उठता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड़ पर आता है और वो कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना बाखुदा, एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवाकर, इसराइल से मंगवाकर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता, तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं चे नस्बत खाक राबाल में पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो, और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों, और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर डोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर
इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो और जिसकी तवक्को हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा, याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था, हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। इसीलिए वो गज़वा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते हैं एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए हम टच वाले तो हैं नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं, और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तेकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफ़ा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैज़ाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफ़ा लेकर जाना है, ये इस्तीफ़ा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफ़ा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्के रसूल हूँ, बाबा जी फरमाते ने इश्के रसूल साबित करन वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क वो होंदा जो लोग देख के कवन के आशकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफिला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा। लोग चेहरे वेख के, लोग अमल वेख के दसते हैं कि ओ शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की वारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे न पवे उठ के नस जावे। और जदो अपनी वारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसिया के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है, मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमेरिका के खिलाफ हैं, खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ अमेरिका के खिलाफ वही, और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है, वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा,
हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमें टच देने वाले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गदे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे, जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफ़िक का नाम है, टच दिया हुआ। वहां एक खड़ा था, उसने कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाए, मुझे बड़ा ताफन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वही मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया, क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है, तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अतियब रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीजा है। मैं ये कहता हूं उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीजा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीजा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है, जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जो नाब गर्दने चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, और रात में जाकर अम्बेसी को वजाते देते हो, हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजल खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिसम गल चुका था, अंग्रेज गया उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजल खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजल खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खून फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजल खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीने एक फजल हक अगर लखा भी हो तो मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकती। और स्टेजां दे उते उछलना कूदना ये अलहदा गल है, वसायल दे लिहाज नाल जनाब कल इतने जलसा परसों इतने जलसा। बाबा जी कहते सन जड़िया का पता मैदान च लगता, स्टेजा उते नहीं लगता, नसया कि नहीं मैदान च 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्ला लब्बैक आलियां नूं, और उनके नाल जड़े गुमाश्ते फिर दिन ओ जी आपने ऐसे कर लिया आपने ऐसे कर लिया। मैं कहा आना सी ना बार तुहाडे को तो रावी पुल नहीं क्रॉस होया, तुहाडे को तो चनाब पुल नहीं क्रॉस होया, ते साडे दीवाने तो वो सन के जिन्होंने रावी पुल क्रॉस करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रॉस किया, और लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे उते वजद कर दिया क्रॉस किया। जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी, हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी, उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में।
और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। क्या बात है, क्या बात है। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान, अपने माल, अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं। और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया, हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की जरूरत पड़ी, पर्ची देंगे, माल की जरूरत पड़ी माल देंगे, जान की जरूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, अभी 6 दिन और हैं। मैं कहा 6 नहीं 600 भी ऑन इना तेल, तेल कोई नहीं, 6000 साल भी ऑन, तेरी जरूरत ही नहीं, तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बाहर मैदान में खड़ा होकर गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसी नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी। और असी उन्होंने भी कहने के दुरुस्त दुरुस्त फैसले करो, वरना असी कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नालो जालिम सी हो। असी उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा, असी क्या तेरियां गोलियां खत्म हो जाणगियां, आशकाने मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले। और इन्हां सीनियां दे अंदर ओ इश्क मौजदाने के अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उठो वजीराबाद तो लब्बैक वाले आज भी तैयार खड़े न, आज भी तैयार खड़े न। अगर किसे शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उते, हुजूर दी नामों से रिसालत उते कोई कानून नु छेड़छाड़ दी कोशिश की थी, मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा, मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साडे कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नु कोई मरज़ई पैसे देना चाहंदे न और इस दे तबादले चो चाहंदे न कि तुसी 295C दे उते कोई साडे नाल तरमीम करो। ते याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे। अगर किसी उधर मैली अख भी देखी हम दुनिया की अकवाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुलरहमान जर्मनी पहुंचा वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुलरहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं, हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए, हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से कुतिया से भी नस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताख रसूल नहीं है वो। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तुलुहु,
तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीजन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूं, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशरम बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत इसके साथ जीना, ये दुनिया में अक्वामे आलम को बताते हैं कि ये कौम जिंदा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वरा फाना लगा जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है, तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूल।
हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और एक मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूदों ने सारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमरीका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई? अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। अगर चेजर भी है जहां में काजिल हाजात, इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे। और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ता ही फकर का इस्तेमाल किया है, रस्ता ही फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अल फकर फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए ही हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बताकर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछे कि जब भी हम बेसरो सामानी के आलम में, जब भी हम बेसरो सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसरो सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना, जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे 3 गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में। बंदा उठता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड पर आता है और उसको कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है।
मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना, बाखुदा एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवा कर, इसराइल से मंगवा कर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता, तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं चे नस्बत खाक राब आलम पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज ही नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए, और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो, और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों, और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर गोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो, और जिसकी तवक्को हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी देना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था, इसीलिए वो गज़वाए उहद की तरफ जाते हुए मकामे शौत, गज़वाए उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकामे शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाला मन शेता वक्ता हिबाला मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था, वो कहते एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए कि हम टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका ले, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं, और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफ़ा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैजाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफा लेकर जाना है, ये इस्तीफा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो
उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्क के रसूल हूँ, बाबा जी फरमाते हैं इश्क के रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क वो होंदा जो लोग देख के कवन के आशकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफिला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के आश्क काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा। लोग चेहरे वेख के, लोग अमल वेख के दसते हैं कि शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की बारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे न पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी बारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसिया के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है, मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमरीका के खिलाफ हैं, खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ, अमेरिका के खिलाफ वही। और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है? वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुनाफिकत मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इस्लामी टच देने वाले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफ़िकत का नाम है, टच दिया हुआ वहां एक खड़ा था। उसने कहा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाएं, मुझे बड़ा ताफुन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वहीं मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है, तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अतियब रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीज़ा है। मैं ये कहता हूँ उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीज़ा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीज़ा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है, जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की
जो नाब गर्दनें चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानिब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, और रात में जाकर एम्बेसी को वजाते देते हो, हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजल खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिस्म गल चुका था, अंग्रेज गया, उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजल खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजल खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजल खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीने एक फजल हक अगर लखा भी होन तो मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकती। और स्टेजा के उत्ते उछलना कूदना यह अलहदा गल है, वसायल के लिहाज नाल जनाब कल इतने जलसा परसों इतने जलसा, बाबा जी कहते सर जड़िया का पता मैदान लगता स्टेजा उत्ते नहीं लगता, नसया कि नहीं मैदान नौ घंटे भी नहीं कटे तो गल्ला लबैक आलियां और उनके नाल जड़े गुमाशते फिरते हैं वो जी आपने ऐसे कर लिया आपने ऐसे कर लिया, मैं कहा आना सी ना बार तुहाडे को तो रावी पुल नहीं क्रॉस होया, तुहाडे को तो चनाब पुल नहीं क्रॉस होया, ते साढ़े दीवाने तो वो सन के जिन्होंने रावी पुल क्रॉस करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रॉस किया, और लबैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे उते वजद कर दिया क्रास कीता, जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी, हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी, उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में, और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान अपने माल अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं, और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की ज़रूरत पड़ी पर्ची देंगे, माल की ज़रूरत पड़ी माल देंगे, जान की ज़रूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, अभी छः दिन और हैं, मैं कहा छः नहीं 600 भी होन इना तिलन तेल कोई नहीं, 6000 साल भी होन तेरी जरूरत ही नहीं, तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बार मैदान में खड़ा होकर गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसी नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी, और असी उन्होंने भी कहने के दुरुस्त दुरुस्त फैसले करो, वरना असी कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नाल जालिम सी हो असी उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा, असी क्या तेरिया गोलियां खत्म हो जाएंगियां, आशकान मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले, और इन सीने दे अंदर वो इश्क मौजदाने के अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उतो वजीराबाद तो लबैक आले आज भी तैयार खड़े न, आज भी तैयार खड़े न, अगर किसी शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उत्ते हुजूर दी नामों से रिसालत उत्ते कोई कानून नु छेड़छाड़ कर दी कोशिश की थी, मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा, मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा, साढ़े कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नु कोई मरजई पैसे देना चाहते हैं और इस दे तबादले चो चाहते हैं कि तुसी 295 सी दे उत्ते कोई साढ़े नाल तरमीम करो, तो याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे, अगर किसी उधर मैली अख भी देखी इन्हां नू कोई साढ़े नाल या रसूलल्लाह।
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم دنیا کی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھو. اور ہم اس مودی سرکار کو کہتے ہیں, اس مودی کے یاروں کو کہتے ہیں کہ فی الفور وہ جو تمہاری ترجمان ہے اس سے اعلان برات کرو اور اس کو سزا دو. اس لیے کہ اگر کوئی غازی علم الدین کا متوالا کھڑا ہو گیا تو پھر بات صرف اس غستاخ تک نہیں رہے گی, بات اس تک بھی پہنچے گی جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ یاد رکھنا, بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ ہم نے غازی علم الدین کو دفنایا ہے, اس خنجر کو باہر رکھا ہوا ہے جس خنجر کو لے کر غازی عامر عبد الرحمن جرمنی پہنچا, وہ خنجر بھی باہر ہے, غازی عبد الرحمن چیما کو دفنایا ہے. اس خنجر کی نسبت سے ممتاز قادری کوہسار مارکیٹ میں 27 گولیاں لے کر پہنچا تھا, وہ بندوق بھی باہر پڑی ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ اگر غوری شاہین حطف ہم نے اپنے حضور کی عزت کے لیے استعمال نہ کیے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے یہ سارا کچھ رکھا ہی اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے ہوا ہے. اگرچہ ہمارے کچھ ذمہ داران, اگرچہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ نااہل اور ناہنجار, ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے ہی حضور کے لیے. ہم نے جانے بھی حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں, یہ وطن بھی حضور کے لیے رکھا ہوا ہے, ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تجھے کتے سے کتیا سے بھی نسبت دینا, تشبیہ دینا, ہم کتیا کی توہین سمجھتے ہیں کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن غستاخ رسول نہیں ہے. وہ اگر تمہیں پتہ نہیں, اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بابا جی اپنے کارکنوں کو سبق دے کر گئے ہیں کہ من سب نبیین فقتلوہ, تو یہ ہمارے لیے بارڈر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر ہم اپنے آقا و مولا کی عزت کا بدلہ لینے آ گئے تو پھر وہ سفید جھنڈا جسے فتح کی علامت سمجھا جاتا تھا, سینکڑوں کنٹینروں کی موجودگی میں اور شیلوں کی بوچھاڑ میں ایک جھنڈا بلند ہوتا تھا جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا تاج دار ختم نبوت زندہ آباد, یا جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا من سب نبیین, اور یا جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا لبیک یا رسول اللہ. اگر حضور کے دیوانے نکل آئے, حضور کے غلام نکل آئے, تو یاد رکھنا تمہارا گھر ہم سے دور نہیں ہے پڑتا. ابھی ہمارے ذہنوں میں کشمیر کا بدلہ باقی ہے, ابھی ہمارے ذہنوں میں بابری مسجد کا بدلہ باقی ہے. میں آپ کو ایک پیغام ضرور دے دیتا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ برہان وانی دنیا سے چلا گیا, یہ نہ سمجھنا کہ جناب ممتاز قادری دنیا سے چلا گیا, یہ نہ سمجھنا کہ غازی علم الدین کو دفن ہوئے صدیاں گزر گئی, یہ نہ سمجھنا کہ علامہ خادم حسین دنیا سے پردہ کر گئے. ابھی ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ یا رسول اللہ کی لوری سے پلایا ہوا ہے. ابھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, جس دن یہ میدان میں آ گئے تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, تمہیں بتائیں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ابھی زندہ ہے, ابھی حضور کی ناموس پر پیرا دینا جانتے ہیں. اور ہم اپنے ان ہجڑوں کو بھی کہتے ہیں, کب تک بغیرتی کی زندگی جیو گے, کب تک بغیرت بن کے رہو گے, کب تک بے حیا اور بے شرم بن کے رہو گے. اور یار اگر عزت پر ہاتھ ڈل جائے تو سب سے پہلے کام عزت بچانے کا کیا جاتا ہے, عزت کو بحال کرنے کا کیا جاتا ہے. روٹی تو بغیرت بندہ بھی کھا لیتا ہے, اور غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. غیرت ہے نا, جو غیرت اس کے ساتھ جینا, یہ دنیا میں اقوام عالم کو بتاتے ہیں کہ یہ قوم زندہ ہے. تم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو, ہماری کیا ترجمانی کر رہے ہو, بھوک کو پیٹ رہے ہو, بھوک تمہارے بس میں نہیں ہے ختم ہونا, یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط ہے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا, وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی جو جہاد کو چھوڑ دے گی, جو جہاد کو چھوڑ دے گی وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی. تم قیامت تک IMF نہیں, سوئس بینک نہیں, تمام دنیا کے
दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो और वराफाना लका जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूद नसारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई। अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है।
اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کازل حاجات. اقبال کہتا ہے مانتا ہوں یہ جن کے پاس چار پیسے تھے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رستہ ہی فقر کا استعمال کیا ہے, رستہ ہی فقر کا اختیار کیا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری. ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر و فخری, فقر میرا فخر ہے. اس فقر کو لیتے ہوئے ہی ہمارے امیر المجاہدین نے ایک جی ایل آئی گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا, پھر کر پورے پاکستان کی گلی گلی میں پیغام دے دیا. ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہمارے سارے شورا والے, یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں, جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں, فیض آباد کا مارکا ہو, وزیر آباد کا مارکا ہو, کوئی بھی جگہ ہو, ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے. اور یہ یاد رکھنا, جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا, دنیا کے زر کی طرف ہو گیا, اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے تین گنا ہو جائے, لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی. اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں. بندہ اٹھتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور لوڈ بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو, میں پیچھے کھڑا رہوں گا. ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو. ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا, کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا. اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے. ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں, ہم تعداد میں چند رہ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا, کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں, اس کے یقین پر نکلے ہیں. اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا, اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا, جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا, اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے. وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے. میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں گیا شیل برسانے والے, یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا, با خدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر, اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے, ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا, تجھ سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم درمدار ہوتے. اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں, چے نسبت خاک را بالم پاک, ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت, یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا, یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا. ہم اس کے کارکن لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آئیں, اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے, اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں, سروں پر کپڑا بھی نہ ہو, اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہوں, پھر بھی وہ ہر گولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو, اور جس کی توقع ہو, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں. جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں. اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی, جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے. جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ,
ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था, वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था, हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था। इसीलिए वो गज़वा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते हैं एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए हम टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका ले, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तेकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफ़ा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैज़ाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफ़ा लेकर जाना है, ये इस्तीफ़ा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्क रसूल हूं, बाबा जी फरमांदे ने इश्क रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क होंदा जेड़े लोग देख के कवन के आशिकान रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के आश्क काफला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा। लोग चेहरे वेख के, लोग अमल वेख के दसते हैं कि शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की वारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे न पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी बारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसिया के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमरीका के खिलाफ हैं, खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ अमेरिका के खिलाफ वही, और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है, वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा, नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमी टच देने वाले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना,
वो मुनाफ़क़त का नाम है, टच दिया हुआ। वहाँ एक खड़ा था, उसने कहा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाएं, मुझे बड़ा ताफुन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वहीं मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया, क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है, तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अतयबु रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीजा है। मैं ये कहता हूँ उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीजा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीजा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है, जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जो नाब गर्दनें चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ, और रात में जाकर अम्बेसी को वजाते देते हो, हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजल खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिसम गल चुका था, अंग्रेज गया उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजल खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजल खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजल खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीना एक फजल हक, अगर लखा भी होन तब मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकता। और स्टेजां दे उते उछलना कूदना ये अलहदा गल है, वसायल दे लिहाज नाल जनाब कल इतने जलसा परसों इतने जलसा, बाबा जी कहते सन जड़ियां का पता मैदान च लगता, स्टेजा उते नहीं लगता, नसया के नहीं मैदान च, 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्लां लब्बैक आलियां नूं, और उनके नाल जड़े गुमाश्ते फिरदे न, ओ जी आपने ऐसे कर लिया, आपने ऐसे कर लिया, मैं कहा आना सी ना बार तुहाडे को तो रावी पुल नहीं क्रास होया, तुहाडे को तो चनाब पुल नहीं क्रास होया, ते साढ़े दीवाने तो वो सन के जिन्होंने रावी पुल क्रास करके नहीं दिखाया बल्कि नच के क्रास किया, और लब्बैक या रसूलल्लाह दे नारे दे उते वजद कर दिया क्रास कीता, जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी, हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी, उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में, और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान, अपने माल, अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं, और जब भी
हुजूर का नारा लगाया गया, हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की जरूरत पड़ी पर्ची देंगे, माल की जरूरत पड़ी माल देंगे, जान की जरूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी अभी तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, अभी 6 दिन और हैं। मैं कहा 6 नहीं 600 भी ऑन इना तेल तेल कोई नहीं, 6,000 साल भी ऑन, तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बाहर मैदान खड़ा होके गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसे नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी। और असि उन्होंने भी कहने के दुरुस्त दुरुस्त फैसले करो, वरना असि कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नाल जालिम सी हो असि उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा, असि क्या तेरिया गोलियां खत्म हो जाएगियां, आशकाने मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले। और इन सीनिया के अंदर वो इश्क मौजदाने के अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उठो वजीराबाद तो लब्बैक आले आज भी तैयार खड़े, आज भी तैयार खड़े। अगर किसी शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उत्ते हुजूर दी नामों से रिसालत उत्ते कोई कानून नु छेड़छाड़ कर दी कोशिश की थी, मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा, मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साढ़े कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नु कोई मरजई पैसे देना चाहते हैं और इस दे तबादले चो चाहते हैं कि तुसीं 295C दे उत्ते कोई साढ़े नाल तरमीम करो। तो याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे। अगर किसी उधर मैली अख भी देखी हम दुनिया की अकवाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं, हमने ये सारा कुछ लिखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए, हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई है, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से कुतिया से भी नस्बत देना तशबीह देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है वो। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तलुहू, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीयन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है,
अभी हमारे ज़हनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशर्म बन के रहोगे? और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत इसके साथ जीना, ये दुनिया में अकवाम आलम को बताते हैं कि ये कौम जिंदा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को, अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वराफाना लका जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है, मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है, तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए, और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूदों ने सारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई? अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की, और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया।
तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। अगर चेजर भी हैं जहां में काजिल हाजात, इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे। और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ता ही फकर का इस्तेमाल किया है, रस्ता ही फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अल फकर फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बता कर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछे कि जब भी हम बेसर सामानी के आलम में, जब भी हम बेसर सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसर सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना, जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे 3 गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में। बंदा उठता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड़ पर आता है और उसको कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना बाखुदा, एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवाकर, इसराइल से मंगवाकर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं, चे नस्बत खाक राबा आलम पाक,
हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके और हमारे कारकुनों के पाओं में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हो और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर डोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो और जिसकी तवक्को हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी लेना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था, इसीलिए वो गज़वाए उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वाए उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूं, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था वो कहते एक लड़के को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए हम टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफ़ा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैज़ाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफ़ा लेकर जाना है, ये इस्तीफ़ा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू आर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्के रसूल हूँ, बाबा जी फरमाने ने इश्के रसूल साबित करन वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क ओ हुंदा जिहड़े लोग देख के कवन के आशकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल ना काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा मैं भी ये गल रखदा, लोग चेहरे वेख के लोग अमल वेख के दसते हैं कि ओ शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फरांस की वारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे न पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी बारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसिया के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमरीका के खिलाफ हैं, खुलकर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं,
हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमेरिका के खिलाफ हैं। अमेरिका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ, अमेरिका के खिलाफ वही। और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है? वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमें टच देने वाले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गदे मुबारक के ऊपर तशरीफ लेकर जा रहे, जिनका नाम याफूर था। तो जिन्होंने इस्लामी को टच दिया होता है ना, वो मुनाफ़िक़त का नाम है, टच दिया हुआ। वहां एक खड़ा था, उसने कहा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जा रहे, तो आगे से अब्दुल्ला बिन उबई आ गया। जो अब्दुल्ला बिन उबई आ गया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मुंह पर हाथ से कपड़ा रखा, क्या या रसूलल्लाह इस गधे को यहाँ से ले जाए, मुझे बड़ा ताफन आया है, मुझे बड़ी बदबू आई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी वही मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम को टच नहीं बल्कि इस्लाम को पूरा पूरा माना था, जिनका ओढ़ना बैठना इस्लाम था। अगर इस्लाम टच वाला होता तो हजरत सलमान फारसी से पूछा गया क्या सलमान आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपने फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो इस्लाम टच के साथ नहीं आता, इस्लाम जनाब इन बातों के साथ नहीं आता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवा मौजूद थे, जब उन्होंने देखा ना कि उसने बात की है टच वाले ने, वो मुनाफिक ने बात की है कि जनाब हुजूर ये अपना गधा मुबारक ले जाए, मुझे बड़ा ताफुन आया है, तो आपने फरमाया वल्लाहि लहिमार रसूलिल्लाह अतियब रीहम मिनका। आपने फरमाया तू हुजूर के गधे से नफरत करता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठाई, अल्लाह की कसम हुजूर का गधा तुझसे ज्यादा पाकीजा है। मैं ये कहता हूं उस मुनाफिक को कि तू लब्बैक वालों की बात करता है, लब्बैक वालों का लित्र तुझसे ज्यादा पाकीजा है, तेरी सोच से ज्यादा पाकीजा है। और जहां हमारे कारकुन पेशाब करते हैं ना, वहां तक तू और तेरा कंटेनर नहीं पहुंच सका। जहां ये जाते हैं वो तो बड़ी अगली बात है, वो तो मकाम ही हो रहा है, जहां ये पेशाब करते हैं तेरा कंटेनर वहां तक नहीं आ सका। और तू बातें कर रहा है जनाब हम इनसे ये बात करेंगे हम वो बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आजादी भाई, आजादी वो, आजादी की बात वो कर सकते हैं, आजादी की वो जंगें लड़ सकते हैं जिनके बड़ों ने 1857 में काला पानी की जेलें काटी थी, जिनके बड़ों की जो नाब गर्दने चांदनी चौक दिल्ली में लटकती रही थी, और जिनके बड़ों ने तख्तादार की जानब जाते हुए भी हुजूर की नाते लिखी थी, और जिनके बड़ों की हड्डियां गल चुकी थी लेकिन उनसे जाकर अंग्रेज ने पूछा कि बताओ तुम ये कहते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं और रात में जाकर अम्बेसी को वजाते देते हो, हमारे बड़ों के पास तो हजरत अल्लामा फजले खैराबादी आखिरी वक्त में जब आपकी हड्डियां गल चुकी थी, जिसम गल चुका था, अंग्रेज गया उसने कहा ये लिखा हुआ है फतवा और इसके नीचे लिखा हुआ है फजले खैराबादी, अगर तू ये कह दे कि ये फतवा फजले खैराबादी कोई और है लिखने वाला कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है तो हम तुझे रिहाई दे देंगे। खूने फारूकी ने जोश मारा, अल्लामा फजले खैराबादी उठ नहीं सकते थे, उठकर बैठ गए। आपने फरमाया कमीने एक फजले हक, अगर लखा भी हो तो मेरा फतवा है ये कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, उनकी औलादे आजादी की जंग लड़ सकती है, नाचने टापने वालों की औलादे आजादी की जंग नहीं लड़ सकती। और
स्टेजां दे उत्ते उछलना कुदना ये अलहदा गल है, वसायल दे लिहाज नाल। जनाब कल इत्थे जलसा, परसों इत्थे जलसा, बाबा जी कहंदे सन जड़ियां दा पता मैदान च लगदा, स्टेजां उत्ते नहीं लगदा। नसिया कि नहीं मैदान च, 9 घंटे भी नहीं कटे ते गल्लां लब्भै कालिआं नूं, और उन्दे नाल जड़े गुमाश्ते फिरदे न, ओ जी आपने ऐसे कर लिया, आपने ऐसे कर लिया। मैं कहा आना सी ना बार, तुहाडे को तां रावी पुल नहीं क्रास होया, तुहाडे को तां चनाब पुल नहीं क्रास होया। ते साडे दीवाने तां ओ सन कि जिन्होंने रावी पुल क्रास करके नहीं दिखाया, बल्कि नच के क्रास किया, और लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे उत्ते वजद करदे क्रास किया। जिस दिन हर किस्म दा जुल्म अपने उरूज ते सी, हर किस्म दा सितम अपने बामे उरूज ते बैठे सी, उस दिन आके कहा कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में, और तू कहां कहां पहुंचा सीट की लगन में। हमारा मकसद कौम को अपनी कुव्वत दिखाने का नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम सारे जमा होकर ये अहद करते हैं और ये अजम करते हैं कि हम हुजूर की नामोस के लिए अपने जान, अपने माल, अपने औलाद और अपने तमाम वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हैं, और जब भी हुजूर का नारा लगाया गया, हुजूर के दीन को हमारी पर्ची की जरूरत पड़ी पर्ची देंगे, माल की जरूरत पड़ी माल देंगे, जान की जरूरत पड़ी हम जान भी देंगे। और अभी तो एक मैदान था ना जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, अभी 6 दिन और हैं। मैं कहा 6 नहीं 600 भी ऑन इना तेल, तेल कोई नहीं, 6000 साल भी ऑन, तेरी जरूरत ही नहीं कि तू बाहर मैदान में खड़ा होकर गल कर सके। अगर अल्लाह ताला ने जरूरत किसी नु बख्शी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान नु बख्शी, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिम्मेदारान नु बख्शी, और असि उन्होंने भी कहने के दुरुस्त दुरुस्त फैसले करो, वरना असि कह चुके हैं कि तुहानू इक्तदार तो लाना मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नालो जालिम सी हो। असि उस दे नाल उस वक्त मुकाबला किया जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी और गल नहीं सी सुनदा, असि क्या तेरियां गोलियां खत्म हो जाणगियां, आशकाने मुस्तफा दे सीने नहीं मुकण वाले, और इन्हां सीनियां दे अंदर ओ इश्क मौजदाने के अगर तू कहना कि चनाब पुल दे उते ए वापस चले गए सन नाम के वे उठो वजीराबाद तो लब्बैक आले आज भी तैयार खड़े न, आज भी तैयार खड़े न। अगर किसे शैतान ने कोई शैतानी की कोशिश की थी हुजूर दी इज्जत उते, हुजूर दी नामों से रिसालत उते कोई कानून नु छेड़छाड़ दी कोशिश की थी, मैं गल ढक छप के नहीं करन लगा, मैं गल तुहाडे नाल खुली करन लगा। साडे कोल जड़ियां खबरां उस दे मुताबिक इन्हां नु कोई मरज़ई पैसे देना चाहंदे न, और इस दे तबादले चो चाहंदे न कि तुसी 295C दे उते कोई साडे नाल तरमीम करो। ते याद रखना जदों तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा एक बच्चा भी जिंदा तुहाडी सोच तो भी बाहर काम कर देंगे, अगर किसी उधर मैली अख भी देखी। हम दुनिया की अकवाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना
बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई है, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से कुतिया से भी नस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तोहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताख रसूल नहीं है वो। अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीयन फक्तलुहू, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीयन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूं, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अभी जिंदा है, अभी हुजूर की नामोस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की जिंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशर्म बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अकवाम आलम को बताता है कि ये कौम जिंदा है। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है खत्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाजों के ऊपर कशकोल उठाकर फड़ो फिरो, और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है, जो हजरत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह को, अल्लाह ताला उसके उजर को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो, तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ, हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। और वराफाना लका जिक्र का मालिक ने जिक्र जिम्मा लिया है, और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल
वजीर आजम साहब खिताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूं करेंगे, भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है, तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। यह मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता, और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के जिम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने यह नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को जख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूदों ने सारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की, जब भी बात आई कि दीन और हक के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे, आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई। अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे, और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट, मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं, तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है, इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, तो सारा आलम कुफर इनके पांव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बगैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया, जहां बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पांव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आशकारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीजें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीजें, इकबाल कहता है इन चीजों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, अगर चेजर भी है जहां में काजिल हाजात। इकबाल कहता है मानता हूं ये जिनके पास 4 पैसे थे, और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रास्ता ही फकर का इस्तेमाल किया है, रास्ता ही फकर का इख्तियार किया है। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हजरत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अल फकर फखरी, फकर मेरा फखर है। इस फकर को लेते हुए ही हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बताकर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछे कि जब भी हम बेसरो सामानी के आलम में, जब भी हम बेसरो सामानी के आलम में, फैजाबाद का मार्का हो, वजीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसरो सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद जरूर भेजी है। और ये याद रखना
जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के जर की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना, हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे तीन गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में। और बंदा उठता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड़ पर आता है और उसको कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो जर के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे जिल्लत के तौक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले, ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना, बाखुदा एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवाकर इसराइल से मंगवाकर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे 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 वो क्या कहते हैं चे नस्बत खाक राब आलम पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से नस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आए, एसी वाली गाड़ियों में बैठ कर आए और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो, और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों, और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर गोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर वहां खड़े होकर इंसान की ज़हनी हालत इस कदर मफलूज हो चुकी हो, और जिसकी तवक्को हो हमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मदद की तवक्को होती नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद ने कभी हमें मायूस किया ही नहीं। जहां हमें जरूरत जिस चीज की पड़ती है रब और रसूल भेज देते हैं। अब जिसको जहां से मदद की तवक्को थी, जब वो मदद ना पहुंची तो याद ही नहीं रहा कि तकरीर में इस्लामी टच भी लेना है। जब इस्लामी टच देने की बात आई तो मैंने कहा याद रखना इस्लाम टच से नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, ये कुरान की नस है, टच से तो आता नहीं। जिन्होंने इस्लाम को टच किया था वो टच करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जुम्मे वाले दिन खड़े होकर तकरीरें किया करता था, तेरी तरह खड़े होकर कहा करता था हम कितने खुश नसीब हमें हुजूर मिल गए। लेकिन उसने इस्लामी बात को टच किया हुआ था, उसने सहाबा की तरह इस्लाम को माना नहीं था, इसीलिए वो गज़वा उहद की तरफ जाते हुए मकाम शौत, गज़वा उहद मदीना पाक से 3 मील है, वो मकाम शौत 1.5 मील से वापस आ गया था। और जिन्होंने इस्लाम को उसी तरह माना था जिस तरह मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह माना था जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माना, उन्होंने इस्लाम को इसी तरह जिन्होंने माना था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता। और जिन्होंने सिर्फ टच किया था वो आकर वापस मदीने में कहते थे, मैं आपको टच वालों की बातें बता रहा हूँ, वो आकर वापस कहते थे ये हुजूर ने लड़कों की
की बातें मान ली और ये जनाब ये कर लिया। हमारे लोगों को भी जिन्होंने सिर्फ टच किया हुआ था, वो कहते हैं एक लड़की को अमीर बना लिया इन्होंने, वो मानते ही नहीं है किसी की। इसलिए हम टच वाले तो है नहीं कि किसी तगड़े को देख के सर झुका लें, किसी जोरावर को देख के कहेंगे नहीं जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हम किसी की बात। हम क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस में बैठे हुए हैं और अमीरुल मुजाहिदीन की मजलिस वो मजलिस है जिसमें हमेशा अजीमत की बात हुई, जिसमें हमेशा इस्तेकामत की बात हुई। मैंने भी एक दफा जाकर कहा, मैंने कहा जनाब आप कहते हैं फैजाबाद में कि आप कहते हैं इस्तीफा लेकर जाना है, ये इस्तीफा तो मुमकिन नहीं है, कोई और मुतालबा हम बीच में से निकाल लेते हैं ताकि हमें बचत की राह मिल जाए। फरमांदे झलिया सानू ऑर्डर होया सी इस्तीफा लेके जाना। जिसका यकीन इतना पुख्ता हो उसके कारकुन शैलों और गोलियों के सामने खड़े होते हैं। और जिस जो कहता है मैं इस्लामी टच देकर मैं भी इश्क के रसूल हूं, बाबा जी फरमाते हैं इश्क के रसूल साबित करने वास्ते दसना नहीं पैंदा, इश्क होंदा जो लोग देख के कवन के आशकाने रसूल जा रहे हैं। जदों यतीम खाने तो काफला वजीराबाद तक क्या किसे एक ने क्या के कौन जा रहे हैं, सब ने क्या के आश्क काफिला इश्को मस्ती जा रहा, ए शाकाने रसूल का काफिला जा रहा। इस वास्ते इश्क दसन वास्ते लोड़ नहीं पैंदी कि जनाब मैं भी इश्क रखदा, मैं भी ये गल रखदा। लोग चेहरे वेख के, लोग अमल वेख के दसते हैं कि शाकन ए आशकाने रसूल जा रहे हैं। और फ्रांस की वारी आवे तो बंदा लम्बे पै जावे, बल्कि लम्बे ने पवे उठ के नस जावे। और जदों अपनी वारी आवे कवे मैं अमरीका के खिलाफ हाँ, और फिर रात में जाके अम्बेसी के अंदर वजाहत देवे कि ये मेरा सियासी बयानिया है, मैं आपके खिलाफ कैसे हूँ। मैंने कहा हम अमेरिका के खिलाफ हैं, खुल कर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, हम हर उस जालिम के खिलाफ हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के हर उस कातिल के खिलाफ हैं जिसने मजलूम मुसलमानों का खून नहाता बहाया है, हम उसके खिलाफ हैं जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई है, हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ 3 पाकिस्तानियों को शहीद कर अपने मुल्क भाग गया है, हम बरसरे मेंबर बरसरे दार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि तुम कैसे कहोगे हम अमरीका के खिलाफ हैं। अमरीका के खिलाफ वो है जिसने दाढ़ी और पगड़ी बांधी हुई अमेरिका को शिकस्त देकर रख दी है। हाँ अमेरिका के खिलाफ वही, और अमेरिका मुनाफिक आदमी कभी किसी बात में रह सकता है, वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुनाफिकत की तो यही याद है। और एक ये भिखारी हमें गले पड़ गए हैं जिनका नाम तो शरीफ है लेकिन ये अंदर से पूरे गुंडे हैं, इनके अंदर का बोझ नहीं निकल रहा। हम आपको ये कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी कहते थे जो आपके हाथों में से नूर निकलता है ना, जिस नूर से कुफर डरता है, अभी तक मैंने उस तरह का नारा नहीं देखा। नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।